अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास 2 अगस्त 2022 हो चुका है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने मनी प्लांट को कैसे ग्रो करना है। बस फर्स्ट सबसे पहले इसकी मैं आपको कुछ बातें बता दी। इसको आपने रखना किधर है, आपने इसे धूप में नहीं रखना, आपने शेडी एरिया में इसे रखना है। चाहें तो इनडोर भी रख सकते हैं, मगर वहाँ पर लाइट इसको पूरी मिलनी चाहिए। मिनट से कोई थोड़ी ट्यूब लाइट हो उसके नीचे आप इसे रख सकते हैं। दूसरा, आपने इसे पानी कम से कम देना है, क्योंकि ये पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है, और ये काफ़ी दिनों तक हरा भरा भी रह सकता है पानी के बगैर। तो अगर आप चाहते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी हो तो आप इसे प्रॉपर लाइट और कम पानी दें। अब हम आते हैं इसे हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसकी टहनी है, ठीक है, तो ये जो है इसके नोड एरिया हैं जहाँ पर एक पत्ता होता है। ये नोड पॉइंट है, ये एंटी नोड है, और ये दोबारा नोड है। जहाँ से पत्ते निकलते हैं वो नोड होता है। अगर आप इसे उगाना चाहते हैं पानी में या मिट्टी में, तो आपको चाहिए होगा कि आप इसे जितना आपने पीस लेना है, ये 1 से 2 इंच मीटर से 2 पत्ते, ये सबसे बेस्ट कटिंग मानी जाती है इसके लिए। तो आप इसे यहाँ से कट कर लें तो ये आपके पास ये इस तरह का एक पौधा आ जाएगा। तो इसको आपने एक, ये जो इसका नोड है नीचे, ये सारे नोड हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां भरा वाला। तो आपने इसे इस तरह मिट्टी के अंदर दबा के हल्का सा पानी देना और बस रख देना। नेक्स्ट पानी आपने इसे तब देना जब इसकी जो पानी या मिट्टी है वो खुश्क हो जाए। तो आपका इस तरह एक तरीका है जो अक्सर लोग पूछते हैं मेरे से, हम इसे पानी में कैसे उगाएं। तो सेम यही चीज़ है, आप इसे इस तरह कट करें और पानी में किसी बोतल में डुबो दें, जहाँ पे इसके किसी भी कुछ हिस्सा डूबे पानी में। नीचे फॉर एग्जांपल ये 4 या 5 नोड एरिया हैं, तो ये पानी में डूब जाएं। तो ये मैंने कुछ दिन पहले इसे लगाया था, तकरीबन 15 से 20 दिन पहले। तो ये देखें, ये अब आके इसकी जड़ें जो हैं काफ़ी निकल चुकी हैं और नए नए पत्ते भी इसके ग्रो कर रहे हैं। तो ये देखें, नोड एरिया हमने क्यों छोड़ना है, क्योंकि नोड एरिया ही है जहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी। ये देखें, ये नोड एरिया है, तो यहाँ से इसकी जड़ बन के निकली। उसके बाद ये देखें, ये नोड एरिया, ये नोड एरिया, और ये नीचे। तो यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ से इसकी जड़ें जो हैं वो निकलती हैं, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी छोड़ना है पानी के अंदर, और फिर आप इसे जहाँ मर्ज़ी आपने रखना है, धूप वाले एरिया में नहीं रखना आपने इसे, वहाँ रखें जहाँ शेड होता है। तो ये देखें, ये मेरे शेड वाला एरिया, यहाँ पे अंगूर की बेल लगी हुई है जो कि शेड रखती है यहाँ पे। तो इस तरह आप इजीली इसे पानी में और मिट्टी में कैसे उगाना है उगा सकते हैं। तो ये सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर कोई घर में स्टार्ट करना चाहता है गार्डनिंग, तो मैं सजेस्ट यही कहूँगा कि आप सबसे पहले मनी प्लांट से शुरू करें, ताकि आपको एक विल पावर मिले कि आप भी पौधे उगा सकते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपली है, अब जैसे ही हमने तोड़ा है, हम इसको इसी तरह काटा जो है, इस तरह ही हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये भी अपनी जड़ें बना लेगा। तो आपने रखना है इसे शेडी एरिया में इस तरह से। चाहें तो आप इसी हिस्से को, अगर आपके पास गमले हैं, थोड़ी मिट्टी खोदें और उसमें इसे लगा दें, तो ये वहीं से अपनी ग्रोथ शुरू कर लेगा। ये मेरे पास छोटा पौधा है, ठीक है, छोटा मनी प्लांट है, छोटे पत्तों वाला, और वो है मेरे पास बड़े पत्तों वाला। इसका भी यही तरीका है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे ग्रो करना है मिट्टी में, उसकी वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे आपको शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाके, वहाँ जाके वो जो पहले वीडियो मैंने बनाई थी वो भी देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।